एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी गारंटी देने के लिए मैं आया हूं, वो है स्वास्थ्य की गारंटी, स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, हेल्थ की गारंटी, अस्पतालों की गारंटी। पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। अगर किसी का 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का भी ऑपरेशन है, सरकारी अस्पताल के अंदर वो फ्री किया जाएगा। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। सरकार बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी गारंटी देने के लिए मैं आया हूं, वो है स्वास्थ्य की गारंटी, स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, हेल्थ की गारंटी, अस्पतालों की गारंटी। पंजाब के लोगों को, उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूं, 6 गारंटी। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। तो मुफ्त और अच्छा इलाज, अच्छा इलाज ऐसा कि आप प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पे आपको इलाज मिलेगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। दिल्ली में करके दिखाया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर सरकारी अस्पताल के अंदर सारी दवाइयां मिलेंगी, दवाइयों की खिड़की खुलेगी। अगर किसी का 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का भी ऑपरेशन है, सरकारी अस्पताल के अंदर वो फ्री किया जाएगा। तीसरी गारंटी, हर पंजाब के व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अंदर उसकी सारी जानकारी होगी, उसका एक्सरे, उसकी एमआरआई रिपोर्ट, उसको इतनी सारी रिपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सारी कंप्यूटर पे होगी। वो बस अपना एक हेल्थ कार्ड लेके, हर आदमी, आपके परिवार में एक बच्चा है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, आपका मां है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, पिताजी का अलग हेल्थ, हर एक बंदे को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा उसको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। चौथी चीज, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, यूनाइटेड नेशंस के कॉफिन ना सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा। शहरों में हर वार्ड के अंदर एक अलग क्लिनिक बनाया जाएगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक और वार्ड क्लिनिक, 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। पांचवी गारंटी, जितने सरकारी अस्पताल हैं बड़े बड़े पंजाब के अंदर, उन सारे अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। दिल्ली में भी अस्पतालों की बुरी हालत थी, सारे अस्पताल हमने एयर कंडीशन्ड कर दिया। आप जाके देखो, अब दिल्ली सरकार के अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशन्ड है, प्राइवेट अस्पतालों की तरह शानदार। ऐसे ही पंजाब के सारे बड़े सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा। वहां दवाइयां मिलेगी, वहां टेस्ट होंगे,
वहां सारी मशीनें काम करेंगी और बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। और छठी और आखिरी गारंटी, दिल्ली में हमने योजना चालू की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने ऐलान किया है कि अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, जो उसको देखे उसको अस्पताल में एडमिट करा दो, चाहे बगल में जितना भी बड़े से बड़ा अस्पताल है, महंगे से महंगा अस्पताल है, आदमी की जान बचाना जरूरी है, उसमें जाके उसको एडमिट करा दो, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब के अंदर भी किसी का भी एक्सीडेंट होगा, रोड एक्सीडेंट किसी का भी होगा, उस रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को उसका पूरा का पूरा इलाज पंजाब सरकार कराएगी, उसको अपनी जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है।